हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यार मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मेरे पास एक सेट आया हुआ है। जैसे मैंने सीपीयू को चेंज किया था, रेडमी 9A और पोको C390। ये सारा मोबाइल जो है एक ही तरह दिखने में भी सेम होता है और ये मोबाइल भी एक ही तरह होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है कि उसमें तो सीपीयू चेंज करके मैं बनाया था, पर इसमें भी सेम कंडीशन में प्रॉब्लम मोबाइल आया हुआ है। जो सीपीयू इसका शॉर्ट है और मैं इसको सीपीयू को चेंज नहीं करूँगा, मैं जो है इसको मॉडिफाई करके बनाऊँगा। और मॉडिफाई कहाँ करना है आप वीडियो में बने रहें, स्टेप बाय स्टेप देखें किस तरह इसको मॉडिफाई करना है और किस तरह इसको काम करना है। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। पहले मैं आपको डीसी पावर सप्लाई में इसका रीडिंग दिखा देता हूं चेक करके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें कोई एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है और मोबाइल में मैं लगा के रखा हूँ, और जैसे पावर की को मैं दबाता हूँ तो इसमें हाई एम्पियर कंज्यूम करता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसे लगाता हूँ तो वो तो हाई एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, पावर बटन छोड़ने के बाद 0-0 हो जा रहा है। तो चलते हैं, इसको पहले हम चेक करके आपको दिखाते हैं माइक्रोस्कोप में। जैसा कि आप यहाँ पर देखें मल्टीमीटर में कि ये पावर एसी है, और पावर एसी के मुझे जो है लाइनिंग को चेक करना पड़ेगा। मैं पहले से चेक कर लिया हूँ, फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ जो है एक प्रोब मैं ग्राउंड में रखता हूँ, दूसरा प्रोब से मैं चेक करूँगा। ये वी पी एच लाइन है जो कि बिल्कुल शॉर्टिंग नहीं है वी पी एच लाइन में, और ये है 1.8 वाला लाइन जो सी क्यू में जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये शॉर्टिंग है, और मैं ये लाइन को यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के पास भी मिलेगा, ये 1.8 की लाइन। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर भी शॉर्टिंग है। जब एक लाइन में शॉर्टिंग है तो जहाँ जहाँ भी शॉर्टिंग है वहाँ पर आपको दिखाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका सीपीयू नंबर जो है 6762V, और इसको चेंज करने से मसला हल हो जाएगा, पर इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पर शॉर्टिंग है, तो ये लाइन बिल्कुल शॉर्टिंग है। तो मैं इसको जो है मॉडिफाई करूँगा और देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है कि नहीं। तो फ्रेंड, इस पावर एसी को निकालना है और यहाँ पर जो है एक बॉल को निकाल देना है और दो बॉल को आपस में ज्वाइन करना है, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस पावर एसी को निकाल दिया है और मैं अलग जगह पर रख लेता हूँ। और इस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कौन से बॉल को मुझे निकालना है। तो मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। जैसे कि नोस पॉइंट इस साइड में है, तो नोस पॉइंट के साइड से नहीं, तो अब देखो इस साइड से यहाँ से इधर आ जाते हैं हम, तो यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 नंबर पिन में जा करके आपको यहाँ पर देखिए खाली जगह है, इसको इरेज करना है। इस बॉल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि ये शॉर्टिंग हटा है कि नहीं हटा है। तो जैसे कि मैं मल्टीमीटर में चेक करता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पावर एसी निकालने के बाद भी शॉर्टिंग है, तो पता ही चल रहा है कि सीपीयू बिल्कुल शॉर्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बार मैं सीपीयू के पास भी चेक करा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये बिल्कुल शॉर्ट है। तो चलिए, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है पॉइंट को, अब यहाँ पर यूवी मास्क में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड, ये इस बॉल को निकालने से फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, पर इसमें चार्ज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे और दो बॉल को आपस में जोड़ना होगा। वो दो बॉल कौन से हैं आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि कौन सा बॉल है। तो तो फ्रेंड, जो ये दोनों बॉल है, दोनों बॉल को आपस में मुझे जोड़ना है। चलिए, ये दोनों को मारना है जंपर।
तो फ्रेंड ये फाइनली मोबाइल ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देखे वीडियो में कि पावर एसी को मॉडिफाई किया मैंने, और मोबाइल मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ। बैटरी लो थी जिसकी वजह से मोबाइल जो है ना डीसी पावर सप्लाई में दिखा रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अभी फोन को ऑन करके दिखाता हूँ। अभी जो है ये देख पा रहे हैं फोन ऑन हो चुका है और लाइट भी आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए प्रॉपर ऑन हो रहा है, पोको लिखा हुआ है। ये देखिए पोको C3 और रेडमी 9A और MT6357 CRV जितना भी IC है पावर IC, तो उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह मैं किया हूँ, ठीक है। आप नोज पॉइंट देख करके पॉइंट को चेक करना होगा आपको, और इसमें CPU शॉर्ट होने से आप बना सकते हैं इजीली। मैं जिस तरह वीडियो में मैं CPU इसी मॉडल का CPU चेंज करके आपको दिखाया था मैं, और इसमें पावर IC को मॉडिफाई करके मैं इसमें दिखाया हूँ, ठीक है। अभी बिना CPU चेंज किए हुए मैं ये फ़ोन को ऑन किया हूँ, और देख पा रहे हैं जिस तरह मैं आप वीडियो में देखे कि 3 पॉइंट था, 1 पॉइंट को मैंने निकाल दिया और 2 पॉइंट को शॉर्ट किया। तो अब जो है मैं वीडियो में आपको मार्क करके दिखा दूंगा वहां पर कौन से पॉइंट को शॉर्ट करना है, ठीक है। अब उसी पॉइंट को शॉर्ट करना है और 1 पॉइंट को निकालना है, ठीक है। आप इस तरह करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और CPU चेंज नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप जो है इस फोन को कंप्यूटर में नहीं लगा सकते हैं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं पर जो है उसमें आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, अनलॉकिंग नहीं कर सकते हैं, फ्लैशिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा वाला लाइन वो हमने काट दिया है, ठीक है। देख पा रहे फोन वर्किंग में है और फोन ये ऑन हो चुका है। ये देखिए पूरा वर्किंग में है, काम कर रहा है, डिस्प्ले टच सब कुछ, और वही फोन है जो मैंने अभी काम किया। तो फ्रेंड ये जो रिसर्च है बहुत मुश्किल से मिलता है। आप टेक्नीशियन तो बन सकते हैं, पहले रिसर्च करना जब सीखोगे तब जाकर के आप अच्छा टेक्नीशियन बनोगे। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आपको कोई मैं वीडियो में इतना काम दिखाया हूँ आप लोगों को यूट्यूब में, और कुछ काम जो ऐसे हैं जो मेरे पास लाइव काम होता है, जैसे स्टूडेंट आते हैं क्लास कराते हैं, तो जो काम ऐसा है आप यहाँ पर आके सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो है मोबाइल का काम, ये दिन ब दिन इसका टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई होता जा रहा है, तो आपको यहाँ पर आना होगा, क्लास करना होगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं किसी के वीडियो देख करके आप अच्छा टेक्नीशियन बन जाएंगे। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जो 100 में समझ लीजिए 10% ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो वीडियो देख करके कुछ काम कर लेते हैं, और वीडियो देख करके कुछ काम कर सकते हैं पर रिसर्च करना आपको नहीं आएगा। रिसर्च करने के लिए अगर कुछ R&D करना हो, कुछ करना हो, तो आपको सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे मेरे रिपेयरिंग सेंटर में आए या फिर आप किसी और की जाए, पर आपको ऐसा टीचर ढूंढना होगा जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। तो ताकि वो आपको फ्यूचर में जो है आपको रिसर्च करना सिखाए और काम करना सिखाए, तो हमारे पास यहाँ आ सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ, यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक काम हम लोग सिखाते हैं। जिस बंदे को नहीं भी आता है, जीरो लेवल में आता है, उसको भी हम IC लेवल तक काम सिखाते हैं। और जो बंदा दुकानदार है, मेरा दुकानदार भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ जहाँ पर अच्छा काम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में, जो आपकी नज़र में जहाँ भी हो, क्योंकि अभी अपडेट हो रहा है, हर मोबाइल अपडेट हो रहा है, सर्किट मेरा अपडेट होता जा रहा है, तो आपको जो है अपडेट होना पड़ेगा, नहीं तो बस आपकी ज़िंदगी वहीं तक रहेगी, चार्जर पिन माइक स्पीकर LCD यही करते रहेंगे। आपको अपडेट होना पड़ेगा, अच्छा मशीन लेना होगा, अच्छा टेक्नीशियन बनना होगा, तब जाके आप काम कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट प्यारा सा कमेंट दें, क्योंकि मैं वादा किया था कि आपको बिना CPU चेंज करके MT6357 CRV को मैं बना के दिखाऊंगा। मैं आपको दिखा दिया, इस तरह देख करके मेरे वीडियो को देख करके आप सारा काम कर सकते हैं, पर आपको काम करने के लिए रिसर्च करना होगा, ठीक है। अब जाए दीजिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।